दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पास पेपर को लिया था, 2015 के असिस्टेंट डायरेक्टर का पेपर था ये, ठीक है। उसमें जो मैथ पोर्शन था, हमने उसके क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, ठीक है। अब ये एक और पेपर है असिस्टेंट डायरेक्टर का, 2015 का ही है, तो इसके पेपर को सॉल्व करते हैं, जिसमें मैथ के जो क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, ये पेपर के हिसाब से नंबरिंग होती है, ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, आशिक इज़ 5 ईयर्स ओल्डर देन हीज़ वाइफ। कह रहा है कि जो आशिक है, एक आदमी है, ठीक है, वो 5 ईयर ओल्डर है, यानी कि बड़ा है अपनी बीवी से, ठीक है, 5 साल बड़ा है अपनी बीवी से। हु इज़ 5 टाइम्स ओल्डर देन हर डॉटर, ठीक है, वो जो वाइफ है वो अपनी डॉटर के 5 टाइम्स है, यानी कि उसकी जो एज है वो अपनी डॉटर का कितना है, 5 गुना है, ये आपने याद रखना है। इफ़ हिज डॉटर वाज 4 ईयर ओल्ड 3 ईयर बैक, कह रहा है अगर उसकी बेटी की जो उम्र है वो 4 साल थी 3 साल पहले, अगर 4 साल थी 3 साल पहले, तो जो मौजूदा उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 में 3 को प्लस कर दें तो वो कितनी बन जाएगी, 7 साल। व्हाट इज़ द एज ऑफ आशिक, हमने किसकी एज फाइंड करनी है, आशिक की, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ कि आशिक आशिक जो है वो एक आदमी है जो कि 5 साल बड़ा है अपनी वाइफ से, ठीक है, लेकिन जो उसकी वाइफ है वो अपनी बेटी की उम्र का 5 गुना है, यानी कि उसकी जो एज है वाइफ की अपनी बेटी की उम्र से 5 गुना है, और उसकी जो बेटी की उम्र है वो 4 साल थी 3 साल पहले, तो उसके बोला है कि आशिक की उम्र फाइंड आउट करें। तो इसके जो पॉसिबल आंसर्स हैं वो मेरे पास 4 हैं, ए बी सी और डी, और जो उसका करेक्ट आंसर है वो मेरे पास है बी, यानी कि 40 ईयर्स ओल्ड, कितने साल उम्र है उसकी, 40 साल। ये कैसे है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, कह रहा है 3 ईयर्स बैक 3 साल पहले डॉटर एज वाज 4 ईयर्स ओल्ड, कि जो बेटी की उम्र थी वो कितनी थी, 4 साल थी। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास ये, इसने ये देखिए हमारे पास ना ये बताया हुआ है कि 4 साल कहाँ से एज आई है क्वेश्चन के अंदर से, ठीक है। तो फिर उसने बोला कि एंड एट दिस टाइम द एज ऑफ डॉटर इज़ 7, कि जो इस टाइम जो उम्र है वो उसकी बेटी की उम्र क्या है, 7 साल है। क्यों 7 साल है, क्योंकि अभी उसकी जो 3 साल पहले उम्र थी वो 4 साल थी, और अगर हम उसमें 3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जो उसकी मौजूदा हो जाएगी उम्र वो कितनी हो जाएगी, 7 साल हो जाएगी। अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा लेते हैं, कह रहा है एंड वाइफ हु इज़ 5 टाइम्स ओल्डर दैन हर डॉटर, के जो वाइफ है वो 5 टाइम्स ओल्डर, यानी 5 साल 5 टाइम बड़ी है, 5 गुना बड़ी है अपनी बेटी के उम्र के, ठीक है। तो वो इस तरह से लिखा जाएगा, ये भी क्वेश्चन को शो ऑफ कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास वाइफ की एज जो है वो इक्वल आ जाएगी 5 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज, याद रखें कि 5 टाइम्स का मतलब है 5 मल्टीप्लाई होगा उसकी डॉटर्स की एज के, ठीक है। टाइम्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन को शो करता है। अब डॉटर्स की एज तो मेरे पास है, डॉटर एज जो है वो कितनी है, 7 साल है, तो मैं डॉटर एज की जगह पे क्या लिख देता हूँ, 7 साल लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 7 लगा दिया, ये कहाँ से आया, ये आप लोगों के पास ये शो हो रहा है, एरो मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो 5 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 35। इसका मतलब है कि हमारे पास जो वाइफ की उम्र है वो कितनी है, 35 साल। अब क्वेश्चन का पहला हिस्सा देखते हैं कि जो आशिक है वो 5 साल ओल्डर है अपनी वाइफ से, यानी कि 5 साल बड़ा है अपनी वाइफ से। अगर वाइफ की उम्र 35 साल है तो डेफिनेटली अगर 5 साल वो बड़ा है तो 35 में 5 को जमा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 40 बन जाएगा, ठीक है। और अगर 35 उम्र हमारे पास 25 साल है तो फिर भी 5 साल बड़ा है तो 25 में 5 जमा कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 35 साल हो जाएगी उम्र। तो अब चूंकि उसकी उम्र जो है वो 5 साल बड़ा है अपनी वाइफ से, तो ये क्या हो जाएगी, आशिक एज इज इक्वल टू 5 प्लस वाइफ एज, ठीक है। तो वाइफ एज कितनी है मेरे पास, 35, इसमें ऐड करेंगे 5 प्लस 35 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 ईयर्स ओल्ड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आशिक की जो उम्र है वो हमारे पास 40 साल है। तो यही हमने फाइंड आउट करना था। याद रहे इस तरह का क्वेश्चन कोई भी हो आप उसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, अगर नंबर्स का फ़र्क है, ठीक है, एजिस का फ़र्क है, तो वो फ़र्क आप यानी कि क्वेश्चन के मुताबिक, जैसे मैंने आपको मेथड बताया है, इसी मेथड से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, कोई भी मसला नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। ये सिर्फ इस पेपर में एक ही मैथ का क्वेश्चन था। तो मज़ीद वीडियोस के लिए, जो पास्ट पेपर्स पीपीएससी पास्ट पेपर्स में मैथ के क्वेश्चन हैं, उनके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्रायंगुलर मैथ हाउस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।